नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का बेहद ही खास कार्यक्रम चुनावी खुराक। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है, साथी पत्रकार अंकित सिंह आपको बताएंगे चुनावी राज्यों का हाल। जैसा कि आप सबको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है और आज उन्होंने एक भव्य रैली की है और इस रैली में बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला जब पहली बार काशी से चुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए थे और उसके बाद जब वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे। अंकित, क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपने वाराणसी से शुरुआत की है तो राजनीति में सांकेतिक लड़ाई बड़ी बात होता है और राजनीति में सांकेतिक लड़ाई का रोल जो होता है बहुत बड़ा होता है। जाहिर सी बात है कि 7 तारीख को उत्तर प्रदेश में जो मतदान होने हैं वो वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में होने हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और कह सकते हैं कि मोदी का वो घर है, क्योंकि मोदी वहां से 2 बार बड़े अंतर से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। जी यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो राहुल गांधी भी हो, आज देखिए वो भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे दिए। इसके अलावा अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर अपना दल, गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह, आप अमित शाह को ले लीजिए, जेपी नड्डा को ले लीजिए और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम लोग वाराणसी में हैं और वाराणसी में बिल्कुल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2017 की आपको याद दिलाते हैं, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी के 3 दिन वाराणसी में रुके थे और जी उस समय जो हुजूम उन्होंने जुटाया था और जिस तरीके से उन्होंने रैली की थी, वाराणसी और उसके आसपास के जिलों के परिणाम उसी दिन पता चल गए थे कि क्या होने वाले हैं। वर्तमान जी में देखें तो क्योंकि हम सबकी निगाहें अब रूस और यूक्रेन की ओर है, उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस दिन परिणाम होंगे उस दिन उत्तर प्रदेश केंद्र में आएगा। फिलहाल वहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, लेकिन राजनीति वाराणसी पर केंद्रित हो रही है। वाराणसी पर ही भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये वही वाराणसी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि मैं खुद नहीं आया, माँ गंगा ने बुलाया। बिल्कुल अंकित, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की तो राहुल गांधी का जिक्र ना करूं तो शायद बेमानी होगा, क्योंकि आज उन्होंने हिंदू धर्म का मतलब बताया है और उन्होंने सीधे सीधे भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने भाजपा को कहा कि भाजपा ने झूठ बोला है वोट के लिए, क्योंकि लेकिन हिंदू धर्म में सच्चाई की बात की गई है। ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि तमाम धर्मों में सच्चाई की बात कही गई है, झूठ की बात कहीं नहीं कही गई है। देखिए, राहुल गांधी प्रैक्टिकली जो है खुद को हिंदुत्व नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं जी और ये हम सबको पता है। और कांग्रेस की जो इमेज बन गई है, जाहिर सी बात है जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस की इमेज बना रही है वो एंटी हिंदू की बना रही है। राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करते तो हैं लेकिन अब भी वह भाजपा वाली हिंदुत्व को लेकर कहीं ना कहीं अब तक नहीं आ पाए हैं। और जाहिर सी बात है, वर्तमान में जिस तरीके की राजनीति है उसमें हिंदुत्व का एजेंडा काफी अहम है। कल एक सीताराम येचुरी का बयान भी मैं पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। जाहिर सी बात जी है, जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति भाजपा के आने के बाद बदली है, हिंदुत्व का एक ज्वार पैदा हुआ है जो देश में हम सब ने देखा है, उसको टैकल करने के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट रुख अख्तियार किया है। राहुल गांधी जनेऊधारी बने, प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर जो बातें कहते हैं तो कुछ लोगों के लिए वो हास्यास्पद होती है। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिस तरीके से लोग जिन विषयों पर आपसे सुनना नहीं चाहते हैं उसको आप दूसरे तरीके से उठाइए, ना कि आप जी उस तरीके से उठाइए कि खुद आपके बयान को लेकर भाजपा आप पर निशाना साधना शुरू कर दे और आपको फिर तरह तरह की उपाधि देने की शुरुआत कर दे। आप भाजपा पर आरोप लगाइए, आप भाजपा पर हमले कीजिए, भाजपा को हिंदुत्व की पाठ पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें मत बोलिए कि आप खुद घेरे में आ जाए। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं वही करते हुए दिखाई दे जाते हैं। जी अंकित, बिल्कुल आपने राहुल गांधी की बात कर ली, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ली, तो मुझे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान याद आ रहा है। आज वो भी उत्तर प्रदेश में और रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो माँ लक्ष्मी होती है वो साइकिल में सवार होकर नहीं आती है, उन्हें कमल चाहिए होता है, वो जहाँ कमल होता है वहीं वो विराजमान होती हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों पे समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और वोटर्स को ये कहा कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो आपको 2 गैस सिलेंडर मिलेंगे, जो एक होली और दिवाली पे मिलेगा।
नहीं, राजनाथ सिंह को यह भी बताना चाहिए कि जो गैस सिलेंडर 400 450 रुपए के मिलते थे वो अब 1,000 रुपए के मिल रहे हैं। तो जी जो माँ लक्ष्मी कमल पे आएगी वो माँ लक्ष्मी कितनी जल्दी जाएगी, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से है, जाहिर सी बात है हर आदमी की गाढ़ी कमाई जो है वो पूरी तरीके से बचत नहीं हो पा रहा है। जो पहले लोग बचा पाते थे या अपने संकट के समय के लिए जो जुटा पाते थे वो जी चीजें नहीं हो रही। राजनाथ सिंह को ये भी बताना चाहिए कि रोजगार के इशू पे उनकी सरकार क्या कर रही है, सेनाओं में बहाली जो रुकी हुई है उसको लेकर राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है राजनाथ सिंह पहले दिन से बोल रहे हैं कि कमल पे सवार होकर ही माँ लक्ष्मी आती है, लेकिन राजनाथ सिंह इस वक्त जो है वो भाजपा और खास करके उत्तर प्रदेश में भाजपा के योगी आदित्यनाथ के बाद बड़े चेहरे हैं, इसमें जी किसी को कोई संदेह नहीं है। राजनाथ आपने सिंह जो ऊंचाई की अपने बात की अंकित, तो यूक्रेन संकट की वजह से भी आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ती हुई दिखाई बिल्कुल देगी और बिल्कुल, इन अभी दिनों अभी यूक्रेन अभी संकट दस काफी तारीख खत्म का हो रहा है। इंतजार है, 10 तारीख जी का इंतजार है, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उससे असर पड़ेगा। रूस गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है, असर पड़ेगा। तो जी कहीं ना कहीं महंगाई और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, लेकिन सरकार लोगों को इससे कैसे राहत देगी ये बड़ा सवाल है। और राजनाथ सिंह चूंकि उनका वो क्षेत्र है, मैं उनकी भाषणों को पिछले 2-3 दिनों से लगातार सुन रहा हूँ, भोजपुरी जी में बोल रहे हैं, लोगों को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद चंदौली से आते हैं और चंदौली में ही चुनाव होने हैं, और चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, संत कबीर नगर, जौनपुर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां चुनाव होने हैं, और यही कारण है कि पूर्वांचल का जोर इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई तगड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, कोई 1 इंच भी कमजोर खुद को दिखाना नहीं चाहता है। ममता बिल्कुल। और बैनर्जी अंकित, बंगाल से आ जाती है। और अंकित पिछले 5 सालों में इनमें से कुछ इलाके सुर्खियों में भी बने रहे, जिनमें सोनभद्र सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना रहा है। बिल्कुल अंकित, आपने ममता बनर्जी की बात की, तो ममता बनर्जी क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि एक तरफ तो वो राज्य क्या बोलते हैं, केंद्र की राजनीति में आने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ देखा जाता है कि गोवा में वो ज्यादा रैलियां नहीं कर पाती हैं, फिर वो बोलती हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आंतरिक गठबंधन हो जाता है उनका, एक उम्मीदवार समाजवादी पार्टी उतार देती है। तो क्या कुछ बिल्कुल है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी कर रही। जी ममता बनर्जी को पता है कि बंगाल के बाहर मुझे सभी तमाम दलों का सहयोग लेना होगा। जी कांग्रेस से वो सीधे सहयोग लेने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के अलावा उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी भाजपा के अलावा अगर देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके सहयोग की जरूरत ममता बनर्जी को आने वाले दिनों में होगी। यही कारण है बिल्कुल कि ममता बनर्जी 2024 को ध्यान में रखकर अभी से उसकी तैयारी शुरू कर चुकी है। जी सांकेतिक तौर पर उनकी पार्टी की एक तरीके से उपस्थिति है उत्तर प्रदेश में, बावजूद इसके वह 2 बार उत्तर प्रदेश आती है, एक बार लखनऊ आती है, एक बार वाराणसी आती है, ये मोदी मोदी वो तमाम आरोप लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी 2024 की तैयारी कर रही है। उन्हें समाजवादी पार्टी की सहयोग की जरूरत है। ममता बनर्जी को ये भी पता है कि समय आते ही मायावती भी उनके साथ खड़ी हो सकती हैं, यही कारण है कि फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में जुटी हुई है कि 2024 में जी अगर गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने की कवायद होती है तो समाजवादी पार्टी मेरे नाम को समर्थन करेगी। बिल्कुल। तो हमारी प्रभा साक्षी के दर्शकों से बस इतनी ही अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व जो अपने अंतिम पड़ाव पर है, उस पे आप अपनी मुहर लगाइए, यानी कि आप अधिक से बिल्कुल अधिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों को भी लेकर जाएं और वोट जरूर दें, ताकि आप सीधे 10 मार्च तौर पर को उस तमाम पड़ाव की जानकारी अध्यक्ष। मिल देंगे। जी, और इसके अलावा आपको तमाम जानकारी के लिए आप प्रभा साक्षी के साथ बने रहिएगा। मेरा नाम अनुराग था, मेरे साथी पत्रकार अंकित आपसे लेते विदा, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।